हेलो दोस्तों, मैं और रिंकू यादव। आज हम आप लोगों के सामने एक जोड़ी फिर लेके आए हैं मेल फीमेल की। टॉप क्वालिटी की फीमेल है ये और टॉप क्वालिटी का मेल है। एक मेल एक फीमेल। अगर इनकी ब्रीड लाइन की बात करेंगे तो हंसा ब्रीड के जानवर हैं ये, टॉप क्वालिटी के हैं। डबल हड्डी पंच फेस में, इतना पंच और इतना जो बॉडी स्ट्रक्चर है जानवरों में बहुत कम देखने के लिए मिलता है। बाकी आप वीडियो लास्ट तक देखें, स्किप ना करें, इसमें आपको सारी वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो इन्फॉर्मेशन बाकी रहेगी आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वालिटी आप लोगों के सामने है, डबल हड्डी, गला पट्टी, झालर सब कुछ जानवर में अवेलेबल है, किसी प्रकार का कोई नुक्स नहीं है। टॉप क्वालिटी का ये माल है। और इसकी अगर सिंग की बात करेंगे तो दोनों जानवर का एक एक सिंग मार्बल है, चारों खोर मार्बल है। बॉडी स्किन पूरी पिंक है, जानवर के हल्का सा नाक पर एक ब्लैक स्पॉट है, बाकी पूरा गुलाबी जानवर है। हाइट जानवर आप तैयार करेंगे तो कम से कम ये हाइट 38-39 तक इसकी हाइट कन्फर्म जाना ही जाना है। बाकी आपकी परवरिश के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे आप परवरिश करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसकी हाइट रहेंगी। जोड़ी की प्राइस आपको डिस्प्ले पर शो हो रही है। ये जानवर पिंक स्किन के हैं और इनकी जो जो कुछ भाइयों की रिक्वायरमेंट आती है कि भाई इनकी धूम का मैटर आता है कि भाई धूम इनकी कटी हुई कि नहीं, तो भाई इनकी धूम कटी हुई है। धूम किस लिए काटते हैं उसका आपको वीडियो के भी मैं बनाने वाला हूँ, बहुत जल्दी आपको बताऊँगा। धूम काटने का रीज़न ये होता है कि ये जानवर का जो बॉडी जो स्ट्रक्चर है काफ़ी लंबा और काफ़ी हाइटेड जानवर होता है। जब इसकी धूम हम लोग नहीं काटते हैं तो क्या है, जानवर की पूंछ टेढ़ी हो जाती है। जब धूम टेढ़ी हो जाती है तो जानवर की सुंदरता पर बहुत बड़ा रिस्पेक्ट पड़ता है। तो इसलिए धूम काटने का भी तरीका होता है, वो भी नॉर्मल बहुत ही कम थोड़ी सी काटते हैं जिससे जानवर की धूम कट जाएगी तो उससे मतलब अच्छा लगता है फूल की तरह पीछे से, मतलब उसके पीछे का जो स्ट्रक्चर है ख़राब ना हो, धूम टेढ़ी ना हो, इसलिए धूम काट देते हैं। और धूम का कोई राज नहीं होता काटने का, तो और धूम जो काटते हैं धूम आपके पहचान में नहीं आएगी कि जानवर की धूम कटी है नहीं कटी है, लेकिन काट इसीलिए देते हैं जानवर की सुंदरता बढ़ाने के लिए, और इसमें कोई राज नहीं होता। और साथ में एक आप लोगों से और कंप्लेंट ये है कि जो कस्टमर, जैसे मैंने ये वीडियो अपलोड किया है तो मेरा हमेशा टारगेट यही रहता है कि मैं जानवर क्वालिटी दूँ, सामने वाला अगर क्वालिटी पैसे दे तो क्वालिटी ही मैं दूँ उसको। लेकिन भाई सबसे बड़ी बात यह है कि जब कस्टमर सौदा करके वो बोलता है भाई एक घंटे में पेमेंट कर रहा हूँ या टोकन कर रहा हूँ, या फिर बोल देते हैं भाई अब मैं कल करूँगा, तो आपकी जबान पर हम डिपेंड हो, क्योंकि बकरे का व्यापार भरोसे पर चलता है भाई। हम आपके भरोसे पर बैठे हुए हैं और आप फिर बाद में कॉल रिसीव नहीं करते हैं, सामने मेरा कस्टमर आता है हम उसको बोल देते भाई जानवर बिच गया है, सोल्ड आउट हो गया, ठीक है ये मेरी बात चल रही है, तो आप भी जानवर नहीं लेते, सामने कस्टमर भी नहीं लेता है कि उसको मैं बोल देता हूँ बिच गया है, और फिर अगर बिचा हुआ माल दोबारा बेचेंगे तो इसमें फिर नाम खराब आनी बात आ गई। तो ऐसा काम नहीं आप लोग करिए, मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करता हूँ। अगर जवान दे दिया चीज़ भले 10 रुपये की है, अगर जवान दे दी तो दे